नमस्कार, मैं दिव्यांशु कुलश्रेष्ठ और आप सभी का स्वागत है KIA के खास प्रोग्राम कुर्सी कनेक्शन में। और आज हमारे साथ जसराना से उम्मीदवार प्रत्याशी इंजीनियर राजीव यादव जी मौजूद हैं, जो संभावित समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी हैं, तो उनसे ही बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो सर, क्या नाम है? मेरा नाम इंजीनियर राजीव यादव है। राजीव यादव जी, सभी पार्टियां प्रचार कर रही हैं, सभी प्रत्याशी प्रचार करने में लगे हुए हैं, तो जनता आपको वोट क्यों दे, सबसे पहला यही सवाल। देखिए, ऐसा है, जनता हमको इसलिए वोट देगी कि विधानसभा जसराना समाजवादी पार्टी का बड़ा गढ़ रहा है। विधानसभा जसराना ने आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को, रक्षा मंत्री जब बने थे तो यहाँ से लोकसभा उनकी मैनपुरी थी और हमारा विधानसभा जसराना था। उसके बाद सांसद धर्मेंद्र जी रहे, बलराम सिंह यादव जी रहे, आदरणीय अच्छे जी भी रहे, तो बड़े बड़े लोगों का नेतृत्व यहाँ से रहा है। और जहाँ तक विकास कार्यों का सवाल है, तो यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में और समाजवादी लोगों ने ही सारे विकास कराए। आप कह रहे हैं वर्तमान में जो वर्तमान में वहाँ पर जो विधायक हैं वहाँ पर, वो BJP से हैं, तो आप क्या ऐसा कुछ जनता के बीच में आप उनको वादे करेंगे, क्या क्या चीज़ें करेंगे जिससे जनता आपकी तरफ डाइवर्ट हो? आपने कह दिया गढ़ है वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जो विधायक हैं वो भी BJP के हैं, तो जनता को ऐसा क्या कुछ लुभाने के लिए कोशिश करेंगे? देखिए, BJP के लास्ट टाइम BJP से वो विधायक बने हैं, BJP के विधायक बने हैं, तो उस टाइम मोदी जी ने बहुत लंबी लंबी सपने सभी को दिखाए और उस लहर में बहुत कम अंतर से हमारे प्रत्याशी हारे। और उसके बाद चूंकि जो पिछली बार चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव में इतने सारे वायदे मोदी जी ने, इतने ज़्यादा सब चीज़ें दिखाई कि लोगों ने ये सोचा कि भाई ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो पता नहीं क्या क्या कर देंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें निगेटिव हो गई। BJP बहुत बड़े बैकफुट पर है आज की डेट में, चूँकि कहीं भी किसी भी दिशा में, चाहे वो रोजगार ले लो, चाहे उद्योग ले लो, व्यापार ले लो, कोई भी किसानों की जो पैदाइश है उसकी बिक्री का मैटर ले लो, चाहे डीजल और पेट्रोल की बिक्री का मैटर ले लो, सारी चीज़ों में BJP कंटिन्यू हर दिशा में फेल है। BJP लगातार आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार है, तो आप जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे? ये सब चीज़ें गलत इसलिए हैं कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो ग्राफ बढ़ रहा है वो कंटिन्यू इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ें निराधार हैं, इनका कोई आधार नहीं है। जब उन्हें कुछ नहीं मिलता, आपको मान के चलिए किसी व्यक्ति को अगर कुछ नहीं है तो उसको वो जो आप कह रहे हैं वही कहने लगो, मैं तो नहीं उस चीज़ को कहना चाहता, है ना। युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगारी से परेशान है, उसके लिए आपकी सरकार का, अगर सरकार में आते हैं तो क्या कदम होगा? हम देखिए, विधानसभा जसराना, हम गवर्नमेंट में अगर आते हैं, समाजवादी पार्टी सरकार में आती है और हमको विधानसभा का नेतृत्व करने को अगर मिलता है, तो यहाँ हमारे यहाँ बहुत ज़मीन ऊसर पड़ी हुई है। हम यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगाने का काम करेंगे जिससे हमारे विधानसभा की बेरोजगारी खत्म हो। उसके बाद दूसरा ये है कि जो भी रोडें हैं, जो विकास कार्य हैं, वो अब ज़्यादा नहीं बचे हैं, तो मैं समझता हूँ कि 200 से 300 किलोमीटर के काम में सारा संतृप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। पानी की समस्या है हमारे यहाँ, एक खैरगढ़ ब्लॉक पड़ता है एक, उसमें पानी की भी समस्या है, तो हम उस पानी का समाधान करने का काम करेंगे। उसके बाद आती है मेडिकल की समस्या, तो मेडिकल की समस्या का भी समाधान परमानेंट हो और अच्छे हॉस्पिटल्स, वैसे यहाँ से अभी फिरोजाबाद में हॉस्पिटल है बड़ा, मगर हमारी कोशिश ये होगी कि तहसील स्तर पर एक सेंट्रल पॉइंट पर एक बड़ा अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, जिससे इमरजेंसी में कोई वहाँ पे समय से पहुँच सके। उसके बाद हमारा ये अपना व्यक्तिगत प्रयास होगा कि हर ब्लॉक में एक एम्बुलेंस हम उपलब्ध कराएं, और व्यक्तिगत तौर पर हमने क्लास 6 से लेके और 12 तक बच्चों की शिक्षा भी हमने व्यक्तिगत फ्री की है। व्यक्तिगत हमने 50 पैसे लीटर डीजल और पेट्रोल पे भी किसानों के लिए फ्री किया है। ये हमारा व्यक्तिगत अपना प्रयास है कि हम अपने लेवल पे ये चीजें करके चल रहे हैं और करके दिखा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, प्ले स्टोर पर जाकर KIA न्यूज ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए।
आखिर कितना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन का खर्च? सिंधिया परिवार की संपत्ति के बारे में जानकर अंबानी और अडानी के भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आरबीआई पुराने और कटे फटे नोटों का क्या करता है, और अगर अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA News ऐप डाउनलोड कीजिए।